श्रद्धा मर्डर केस के बाद एक और खौफनाक मामला आया सामने। बंद कमरे में टुकड़े हुए बरामद, पुलिस के लिए भी गुत्थी सुलझानी हुई मुश्किल। हाल ही में हुए श्रद्धा मर्डर केस ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए थे, जिसके बाद से हर किसी को लगने लगा था कि ऐसा भी कोई कैसे बेरहम हो सकता है जिसने अपनी ही लिव इन पार्टनर के साथ रहने के बाद उसकी हत्या करके 35 टुकड़े कर दिए, जिसके बाद से ही इस केस से मिलते जुलते मामले कई जगह से सामने आने लगे। बता दें, ऐसा ही एक मामला आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से भी सामने आया है, जहां एक बंद किराए के घर में रखे ड्रम में एक महिला के शरीर के अंग पाए गए, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। बता दें, ड्रम में मिले महिला के शरीर के अंग पुलिस को 1 साल से भी ज्यादा पुराने होने का शक है। वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये पूरी बात पुलिस आयुक्त श्रीकांत ने बताई कि जब खुद मकान मालिक घर में मौजूद सामान को हटाने के लिए जबरदस्ती घर में घुसा, उसके बाद जाकर इस पूरी बात का खुलासा हो सका। बता दें, अभी कुछ दिन पहले ही ये घटना सामने आई थी, जहां कपल श्रद्धा वॉकर और आफताब अमीन पूनावाला दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, जिसके बाद दोनों ने ही साथ में आने का फैसला किया और एक साथ रहने लगे। हालांकि दोनों के साथ होने का विरोध श्रद्धा की फैमिली की तरफ से किया गया, लेकिन बावजूद इसके श्रद्धा ने आफताब को नहीं छोड़ा और नतीजा ये निकला कि कुछ दिन बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस खबर के बाद हर तरफ से लोगों ने बेहद गुस्सा जाहिर किया और आरोपी आफताब को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। लेकिन इसमें सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ऐसी घटना वहीं नहीं रुकी, इसके बाद भी देश के अलग अलग जगहों से ऐसी वारदातें सामने आने लगी, जिससे एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर लोग किस मानसिकता के होते जा रहे हैं, क्या उनमें समाज और कानून किसी का भी खौफ नहीं बचा। वहीं विशाखापट्टनम में हुए हादसे में पुलिस की तरफ से ये बताया गया कि जून 2021 में एक किरायेदार ने अपनी पत्नी के गर्भवती होने का हवाला दिया था और बिना बकाया चुकाए ही मकान खाली कर दिया था, लेकिन कहीं से पता चला कि वह एक बार पिछले दरवाजे से घर के अंदर आया था। हालांकि अभी तक मकान मालिक को किराए का भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद 1 साल से अधिक समय तक बीत जाने के बाद उसने इंतजार किया और बाद में मकान मालिक जबरदस्ती किराएदार का सामान हटाने के लिए घर में घुस गया। लेकिन उसे क्या पता था कि अंदर घुसते ही उसे जो मंजर दिखेगा उससे उसके होश उड़ जाएंगे। बता दें, मकान मालिक ने जब अंदर जाकर सामान हटाया तो सामने एक ड्रम रखा हुआ था, जिसके अंदर जब उसने झांक कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस ड्रम में कुछ और नहीं बल्कि एक महिला के शरीर के अंग पड़े हुए थे। वहीं पुलिस ने कहा कि शुरुआती सबूतों को देखते हुए यही लग रहा है कि शव को 1 साल पहले टुकड़ों में काटा गया था, जिसका अब जाके पता चल पाया है। श्रीकांत ने कहा, हमें संदेह है कि ये टुकड़े उस किराएदार की पत्नी के हो सकते हैं, जिसके बाद मकान मालिक के शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस के लिए इस गुत्थी को सुलझा पाना आसान होगा या नहीं। इस खबर में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ना भूलें, और देखते रहें ऑन एयर भारत।